अगर आप भी कोई एवेंजर सीरीज की बाइक खरीदने के लिए जा रहे हो तो रुक जाओ, क्योंकि हमारे साथ एक ओनर है जिन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है। आज है मंडे और हर मंडे मैं लेकर आता हूँ आपके लिए आपकी बात आस्क ऑटोगुरु के साथ इस एपिसोड को, जहाँ पर आप ही लोगों के द्वारा शेयर किए गए रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को मैं बाकी पब्लिक के साथ शेयर करता हूँ। होता ये है कि आप यूज़ कर रहे गाड़ी के प्रोज कॉन्स, फ़ायदे नुकसान, तरह तरह के जो प्रॉब्लम्स है, फ़ायदे हैं, जो भी चीज़ें हैं, आप मुझ तक पहुँचाते हो और आपके थ्रू मैं इस चैनल थ्रू बाकी पब्लिक के साथ शेयर करता हूँ, जिससे उनका खरीदने का बाइंग डिसीजन जो भी है वो हेल्प हो जाती है उस डिसीजन में। तो हमेशा की तरह इस मंडे भी, जो कि हर मंडे 9 बजे आता है, आपको भी गुजारिश है, अगर आप भी किसी गाड़ी को यूज़ कर रहे हैं तो उसका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करो। अब संदीप वर्मा, इन्होंने दो अलग अलग कमेंट भेजे हैं, मतलब एक ही कमेंट के नीचे दूसरी कमेंट भेजी है एवेंजर के ऊपर। इनका ये ओपिनियन है, इसके ऊपर मेरा क्या ओपिनियन है, क्योंकि मैं खुद एक एवेंजर यूज़र हूँ और मैं एक हैप्पी यूज़र हूँ। इनका कुछ हद तक अलग एक्सपीरियंसेस है। मैं हमेशा कहता हूँ हर लोगों का, हर किसी का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है। हो सकता है किसी और को कोई और गाड़ी पसंद आए और वही गाड़ी किसी और को काफ़ी घटिया लग जाए, तो यही चीज़ है। खैर, बढ़ते हैं संदीप वर्मा, और ये लिखते हैं, मैं पहले पढ़ लेता हूँ फिर आपको समझाऊंगा क्या चीज़ों में कैसी है गाड़ी, किन चीज़ों में कैसी गाड़ी। सुदीप वर्मा, सुदीप वर्मा इनका नाम है। मैं उन सभी लोगों से अपील करने चाहता हूँ कि जो लोग एवेंजर 160, 180, 220 सीसी बाइक खरीदना चाहते हैं वो कोई और बाइक खरीद ले, लेकिन गलती से भी बजाज एवेंजर की कोई भी बाइक ना ले। इस पर बैठकर 100 किलोमीटर चलने पर कमर और रीढ़ की हालत खराब हो जाती है। ये बिल्कुल भी कंफर्टेबल बाइक नहीं है और इसमें किक स्टार्ट ना होने से बैटरी बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है। मेरी बाइक 12,000 किलोमीटर चलने के बाद 2 बार बैटरी चेंज करानी पड़ी। इसका भी सोल्यूशन है, मैं बताऊंगा आगे। मैंने अपनी बाइक अप्रैल 2018 में खरीदी थी और 15,000 किलोमीटर चली है और उसकी शोरूम वैल्यू 32,000 लगाई गई है। तो पहले इस कमेंट को पढ़ते हैं, फिर इनकी इसकी इन्हीं की इसके बाद एक और कमेंट है उसको भी मैं पढ़ूंगा। तो इन्होंने कहा है कि गाड़ी में जो पीठ की और कमर की वाट लग जाती है, यानी कि लंबी दूरी तय करने पर, 100 किलोमीटर चलने पर। देखो, ऐसा है, आपने बिल्कुल सही कहा है, हो सकता है ये प्रॉब्लम आपको आया हो और कई सारे लोगों को भी आया हो, लेकिन अगर मैं पर्सनली मेरी ओपिनियन की बात करूँ, मेरे पास भी एवेंजर है जिसके मैंने कई सारे ओनरशिप रिव्यू समय समय पर मेरे चैनल पर दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हो। ये क्रूज़र गाड़ी है, क्रूज़र गाड़ी चाहे एवेंजर हो, मतलब बजाज की ओर से हो, रॉयल इनफील्ड की ओर से हो, सुजुकी की ओर से हो, या फिर किसी और बेनिली वगैरह हर किसी कंपनी के आ रहे उसमें हो, क्रूज़र का मतलब यही होता है कि उस पर कंफर्टेबल राइड मिले। बजाज एवेंजर का भी ऐसा ही है, क्योंकि आपके जो पैर हैं, आपका जो फुट रखने की जो जगह है, फुट रेस्ट, वो थोड़ी सी आगे दी हुई होती है। सीटिंग पोजीशन पूरी तरह से सीधा होता है और फिर आपके हाथ आराम से इस तरह से आप जो है बैठ करके उस पर चलते हो, तो कंफर्टेबल राइडिंग का एहसास होता है। सोफे पे बैठ के चला रहे हो आप, इस तरह का एहसास होता है। दूसरी चीज़, आपने ये जो कमेंट करी है, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ मेरे भाई सुदीप भाई, आप वर्मा, सुदीप वर्मा जी, आप गलत मत लेना मेरी बातों को, मैं बस मेरा भी ओपिनियन इसमें मिक्स करके बता रहा हूँ। और भी आप अकेले हो एवेंजर यूज़र जो कि मुझ तक जो आपका ओपिनियन है वो पहुंचाया, ऐसी बात नहीं है। हर हफ्ते में कई सारे जो कमेंट्स हैं वो ओपिनियन के आते हैं, यानी कि ओनरशिप रिव्यू के आते हैं, उसमें से मैं चुनिंदा ही कमेंट्स ले पाता हूँ, क्योंकि टाइम की कमी भी होती है। इसमें से आपकी कमेंट मुझे थोड़ी अच्छी लगी इसलिए मैंने उठाया। तो बाकी लोगों का ये मानना है, मार्केट रिव्यू की बात करूँ या फिर बाकी लोगों के ओनरशिप रिव्यूज की बात करूँ या फिर जो मेरे साथ शेयर किया है बाकी लोगों ने एवेंजर से रिलेटेड, उनका उनमें से 80%, 80% पब्लिक यही मानती है कि इसकी सीटिंग पोजिशन काफ़ी अच्छी है, बेहतर है। आपको प्रॉब्लम फेस हो रहे तो बिल्कुल हो ही रहे होंगे। अब ये ज़्यादा शॉर्ट शॉर्ट राइडर्स के लिए बनी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट राइडर्स है रहे तो वहाँ पे थोड़ा सा झुक के फिर आपको चलाना पड़ता है इसे, जिस वजह से आपकी पीठ में, कंधों में थोड़ा सा दर्द महसूस हो जाता है, ये एक रीज़न हो सकता है, बाकी आप आपकी जगह पर सही हो। बताते हैं आगे, और अभी जो कैसा है इनका दूसरा भी एक प्रॉब्लम इन्होंने बताया, बैटरी का। जी हाँ, ये मैं मानूंगा बैटरी का बहुत बड़ा इशू है इस गाड़ी में। ये गाड़ी गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश के दिन हो, चाहे जो भी हो, कभी कभार चालू हो जाती है लेकिन कभी कभार बिल्कुल भी चालू नहीं होती है। मैंने खुद इसकी बैटरी चेंज करी हुई है 22,000 किलोमीटर के बाद। 22,000 किलोमीटर, मैं एक ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट हूँ तो मैं मेरी गाड़ी का अच्छे से ख्याल रखता हूँ, इसीलिए वो 22,000 किलोमीटर तक चल गई मेरे को,
लेकिन बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि भाई 10,000 8,000 किलोमीटर पे ये खराब हो गई। बैटरी खराब नहीं होती है, बैटरी एक्चुअल अच्छी होती है, बैटरी का इसमें प्रॉब्लम नहीं आता है। मैं बताता हूँ, इसमें जो आपको स्टार्टर मोटर है उसमें ये दिक्कतें आती हैं। तो ये बजाज ने कुछ समय पहले इसे रिपेयर किया है, रिप्लेस किया है और वापस से मार्केट में गाड़ियाँ उतारी है। अभी जो रिसेंटली BS6 की गाड़ी आ रही है उसमें ये प्रॉब्लम्स कम आ रहे हैं, लेकिन हाँ BS4, मेरी खुद BS4 है, BS4 वाली गाड़ियों में दिक्कतें हैं। तो ये प्रॉब्लम मैं मानता हूँ जो आप फेस कर रहे हो। और उसके बाद आपने बताया है कि शोरूम वैल्यू 32,000 लगाई गई है। हाँ, रीसेल वैल्यू बजाज की गाड़ियों को इतनी ज़्यादा नहीं होती है, पल्सर छोड़ के। उसके बाद फिर पल्सर की ही सीरीज़ मैं कहूँगा कि रीसेल वैल्यू अच्छी मिलती है पल्सर को, बाकी गाड़ियों को बिल्कुल भी रीसेल वैल्यू अच्छी नहीं मिलती है। ये एक प्रॉब्लम है, बिल्कुल सही कहा आपने। अब बढ़ते हैं आगे, इन्होंने दूसरे कमेंट्स में भी लिखा है, उसी दिन इसी नीचे इसी कमेंट के ऊपर इन्होंने लिखा है, एवेंजर में आने वाली मेजर प्रॉब्लम बैटरी जल्दी ख़राब हो जाती है। मैंने अभी अभी बताया आपको, डिस्क ब्रेक जल्दी जाम हो जाता है, ये चीज़ भी होती है। एक्चुअल क्या होता है कि जो ऊपर एक डब्बी लगी हुई होती है जहाँ पे थ्रोटल होता है, उसके बाजू में उस ऑयल को समय समय पर चेंज करना पड़ता है। अगर ऐसा करोगे, ब्रेक है वो जाम नहीं होगा, सही से काम करेगा। हैंडल लॉक और बाइक स्टार्ट अलग अलग होने से कभी कभी अनलॉक करना भूल जाए तो बाइक अक्सर गिर जाती है, ये भी एक दिक्कत है, कन्फ्यूजन भरा काम है। नॉर्मली गाड़ियों का कहीं ना कहीं जो स्विच होता है ऑन ऑफ करने का, इग्निशन होता है, वो हैंडल के आसपास ही होता है। कुछ लोग अभी टैंक पे भी देने लग गए, यामा की गाड़ी का है, होंडा की गाड़ी का है, टैंक पे है या फिर आसपास ही होता है। लेकिन इस गाड़ी का नीचे है भाई, मतलब जहाँ से आपका दाया घुटना लगता है वहाँ नीचे है, और फिर स्टार्ट करना पड़ता है, और फिर गाड़ी का लॉक करने के लिए आपको आगे हैंडल के बिल्कुल नीचे थोड़ा सा वहाँ पे लगाना पड़ता है। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग है, जिस वजह से कहीं कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। मेरे साथ खुद हुआ था शुरू शुरू में, लेकिन अभी आदत सी हो गई है। इन्होंने अगला लिखा है, गियर शिफ्टिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, अगर इंजन ऑयल का आप सही से ख्याल नहीं रखोगे तो यही होगा। गियर शिफ्टिंग का प्रॉब्लम बजाज की अक्सर गाड़ियों में आता है, लेकिन अगर ऑयल बेहतरीन है, यानी कि अच्छा खासा ग्रेड का है और अच्छा खासा मेंटेन रखा है समय समय पर, तो गियर अटकने की दिक्कतें नहीं आती है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेग परेड और सीट कंफर्टेबल ना होने, कमर दर्द, ये मैंने बताया आपको। 100 किलोमीटर चलने पर इंजन बहुत हीट हो जाता है, रुकना पड़ता है। हाँ, ये शुरू शुरू में आते हैं ये वाले प्रॉब्लम। जब भी गाड़ी आपकी नई होती है तो एक 5-7 हज़ार किलोमीटर तक ही आपको इंजन हीट होने का जो इश्यू है वो मिलेगा, अदरवाइज नॉर्मली नहीं होता है। इंजन हीट होने के भी रीज़न है, एयर फिल्टर अगर आप प्रॉपरली टाइम टाइम नहीं चेंज करोगे तो एयर प्रॉपरली, एयर कूल्ड इंजन है आपको, सिर्फ एयर प्रॉपरली अंदर नहीं जाएगी और फिर उस वजह से इंजन हीट हो सकता है। दूसरा रीज़न, इंजन ऑयल। देखो, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चाहे बजाज की कोई भी गाड़ी हो, प्लैटिना से लेके डिस्कवर से लेके पल्सर से लेके एवेंजर से लेके डोमिनार, जितनी भी गाड़ियां हैं बजाज की, उसमें आपको टाइम टू टाइम सिर्फ इंजन ऑयल का ख्याल रखना है। ये बात गार्ड बांध लो मेरी, अगर इंजन ऑयल आपने टाइम टू टाइम चेंज करा हुआ है तो बजाज छोड़ो कोई और गाड़ी ही क्यों ना हो, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने आपको। लेकिन अगर उसकी खुराक ही आप उसे अच्छे से नहीं खिलाओगे और फिर बोलोगे भाई घोड़े की तरह दौड़, तो ऐसा नहीं होने वाला, चाहे कोई भी गाड़ी हो, सिर्फ बजाज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो इंजन ऑयल आप चेंज करते रहो, और सिर्फ इंजन ऑयल ही मत चेंज करते रहो, सिर्फ का मतलब होता है कि टाइम टू टाइम गाड़ी को सर्विसिंग पे भी भेजते रहो। तो ये है, अब इन्होंने जितने पॉइंट्स शेयर किए थे मैंने यहाँ आपको स्क्रीनशॉट दिखाया, बाकी भी लोगों ने कुछ अपने पॉइंट्स शेयर किए थे, उन सबका एक छोटा सा मोरल निकाल के मैं यहाँ बताता हूँ। देखो, सबसे पहली बात, इनिशियल पिकअप गाड़ी का अच्छा है, व्हील बेस काफ़ी लंबा है, गाड़ी लंबी है, आपको सिर्फ क्रूजर सेगमेंट की गाड़ी है, क्रूजर है, तो उस हिसाब से जो पिकअप होना चाहिए वो इसे है। फर्स्ट गियर से लेके सेकंड गियर, मतलब जब नीचे और फिर बीच में न्यूट्रल है, और फिर पहला नीचे है, बीच में न्यूट्रल है और ऊपर दूसरा है, तो न्यूट्रल में गाड़ी जल्दी नहीं आती है, ये प्रॉब्लम है। आप नीचे करो और उसके बाद डायरेक्ट सेकंड पे चली आती है, न्यूट्रल में जल्दी नहीं आती है, ये प्रॉब्लम है गियर शिफ्टिंग का। थर्ड, हाईवे पे चलाने के लिए काफ़ी बेहतर गाड़ी है ये, हाई स्पीड परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा देती है, गाड़ी पूरी तरह से स्टेबल चलती है, रियर व्हील जिस तरह से इसका ब्रॉड दिया जा रहा है उस वजह से इसकी हाईवे पे हाई स्पीड स्टेबिलिटी बेहतरीन बन के चलती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और बाकी लोगों ने भी मेरे साथ शेयर किया है। ये फोर्थ पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, सीटिंग। राइडर के लिए नो डाउट कंफर्टेबल सीटिंग पोजिशन है, लेकिन पिलियन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके साथ जो पिलियन बैठ रहा है वो अगर मतलब उसकी अगर फिजिक बड़ी है, कुछ वेट ज़्यादा है, तो वो कभी भी कंफर्टेबली नहीं बैठ पाएगा। नॉर्मल सा है, पर दुबला पतला बंदा है, तो चलो वो बैठ भी जाएगा, आप लंबी जर्नी भी कर सकते हो। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है ब्रेकिंग।
अगर आप 60, 65 या फिर 70 किलोमीटर पर हावर के स्पीड पर चला रहे हो गाड़ी, तो ब्रेकिंग नो डाउट इसकी अच्छी है, लेकिन भाई 70 जैसे भी आप क्रॉस कर लेते हो उसके बाद ब्रेकिंग में दिक्कतें आने लग जाती है। हालांकि अभी सिंगल चैनल एबीएस के साथ आ रही है, मेरे पास किसी भी तरह का कोई चैनल का कोई भी एबीएस नहीं था, मतलब नॉर्मल ब्रेकिंग थी, पीछे ड्रम आगे डिस्क, वो होकर भी मेरी गाड़ी कभी भी पूरी तरह से पिछले ब्रेक पर कंट्रोल नहीं हुई, मुझे दोनों ब्रेक लगाने पड़ते हैं, और नॉर्मली BS4 गाड़ियों में ये हुआ था होता है हाईवे पे हाई स्पीड में। इनफैक्ट ABS आ जाने के बाद भी ये इशू इनका बरकरार है, इन्होंने अपनी बजाज वालों ने अपनी जो चीज़ें हैं वो नहीं सुधारी इसमें, कुछ हद तक इम्प्रूवमेंट है ब्रेकिंग में, लेकिन जितनी हमें एक्सपेक्टेशन थी उतनी नहीं है जो कि होनी चाहिए थी। तो ब्रेकिंग का इशू है, हाई स्पीड में कभी भी ये गाड़ी पूरी तरह से पिछले ब्रेक के आधार पर नहीं रुकाई जा सकती। इनफैक्ट दोनों ब्रेक लगाने के बाद भी आपको कहीं ना कहीं ऐसा डर लगा रहेगा कि साली ठोक देगी आगे किसी को, तो ये ब्रेकिंग का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। इंडिया में रहते हैं हम लोग, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली कुछ भी बीच में आ जाता है भाई, ऐसे में ब्रेकिंग होना जरूरी है, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। आगे फ्यूल इकोनॉमी, 160 cc और 180 cc, 180 तो अभी फिलहाल बंद हो चुकी है, 160 निकाली है एवेंजर की, तो 160 cc का माइलेज ये आपको लगभग लगभग 45 से 50 के बीच में मिलता है। माइलेज हमेशा अपने अपने हिसाब से मिलता है लोगों को, यानी राइडिंग स्किल पे डिपेंड करता है, मेरे को 35 से 40 के बीच का मिल रहा है। मेरा यूज़ काफ़ी रफ है, काफ़ी मैं घूमते रहता हूँ और बहुत ही ज़्यादा रेव करता हूँ गाड़ी को, तरह तरह की बातें हैं, तो मुझे पर्सनली 35 किलोमीटर का मिल रहा है, बाकी लोगों को भी किलोमीटर पर लीटर का, बाकी लोगों को भी ये 35 से 40 के बीच में मिल रहा है। जब 220 cc वालों की बात कर दी जाए, चाहे वो क्रूज हो चाहे वो स्ट्रीट हो, तो उनको कहीं ना कहीं 30 से 35 के बीच में मिल रहा है, कुछ लोगों को 35 से 38 के बीच में मिल रहा है माइलेज, तो ये हो गई चीज़। नेक्स्ट सिटी राइडिंग, सिटी राइडिंग में इतनी दिक्कतें तो नहीं आती हैं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत दिक्कतें ज़रूर आती है। व्हील बेस लंबा है, टर्निंग रेडियस भी इसका बहुत ही बड़ा है क्योंकि व्हील बेस लंबा है आपको सीएस, टायर्स की साइज़ बड़ी है उस पर भी व्हील बेस आपका बढ़ जाता है, तो कम जगह में घुमाने के लिए, मन्यूरिंग करने के लिए या फिर जिगजैग सी गाड़ी चलाने के लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है ये, थोड़ी बहुत पॉसिबल है लेकिन मैं कहूंगा ये चीज़ें कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड है। इसका इसमें गाड़ी का दोष नहीं है क्योंकि गाड़ी उसी सेगमेंट की है, क्रूजर सेगमेंट की है, इसलिए तो इस तरह का कुछ यहाँ पे प्रोज और कॉन्स दोनों थे। अगर आप एवेंजर की प्लानिंग कर रहे हो तो वर्मा जी और बाकी लोगों का जो एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर हुआ था, साथ ही मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर किया मैंने, तो इस बेस पर आप ये तय कर सकते हो कि आपको ये गाड़ी खरीदनी चाहिए या फिर नहीं खरीदनी चाहिए, या फिर इसके अपोजिट आप किसी और गाड़ी का जो भी है चुनाव कर सकते हो, उसमें खरीद सकते हो। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप भी किसी भी तरह की कोई कार है, बाइक है, व्हीकल है आपके पास, उसे यूज़ कर रहे हो, तो बाकी लोगों की हेल्प करने के लिए आप हमारे साथ आपका एक्सपीरियंस शेयर करो। वही मैं इस आज के दिन हर रात 9 बजे मंडे को आपकी बात आस कोटगुरु के साथ इस एपिसोड में बाकी लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए। अब अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी तरह के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, ऐसा आपको लगता है, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। और साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है, तो वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी जो दुविधा है वो पूछ सकते हो, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अब मैं चेतन पाटिल लेता हूँ आपसे विदा, और फिर से मिलता हूँ ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।